नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के ई ट्यूटोरियल सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स सब्जेक्ट कोड CS 203 के ई वीडियो में ई लेक्चर में। आज का टॉपिक होगा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसमें हम सर्वप्रथम FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। मैं हूँ नवीन सांख, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। ध्यान देने योग्य बात है कि अब तक हम प्रोसेस मैनेजमेंट में वेरियस टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज को कवर कर चुके हैं। अब हम विविध शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को देखेंगे, जिनमें होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, उसके पश्चात SJF और प्रायोरिटी और राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स मूलतः सीपीयू शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, यहाँ वापस देखें कि नॉन प्रीएम्प्टिव का तात्पर्य है कि यदि किसी एक एल्गोरिथम, जैसे FCFS एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, यदि FCFS के द्वारा किसी एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, FCFS के द्वारा एक प्रोसेस का चयन किया जाकर सीपीयू के द्वारा उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को उसके एग्जीक्यूशन की समाप्ति से पूर्व हटाया नहीं जा सकता, विड्रॉ नहीं किया जा सकता, उसके एग्जीक्यूशन को रोका नहीं जा सकता, जबकि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में यह सुविधा उपलब्ध है। अब देखें FCFS के बारे में, यह इसका पूरा नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सामान्य अर्थों में जिस प्रकार से हम रेलवे स्टेशन पर अथवा सिनेमाघरों पर टिकट लेने के लिए लाइन लगाते हैं, जिसमें जो व्यक्ति पंक्ति में लाइन में पहले आ गया है वह टिकट खिड़की से टिकट पहले खरीदता है, पहले लेता है और बाद में आने वाला बाद में खरीदता है। यह FCFS एल्गोरिथम इसी विधि पर कार्य करता है, जिसमें पहले रिक्वेस्ट सीपीयू के साइकल्स को पहले रिक्वेस्ट करने वाली प्रोसेस को सीपीयू एलोकेशन पहले होता है, उसके पश्चात उसके बाद में आने वाली दूसरी प्रोसेस को, उसके पश्चात उसके बाद में आने वाली तीसरी प्रोसेस को, और इसी क्रम में यह आगे बढ़ता चला जाता है। FCFS एल्गोरिथम को सरलतापूर्वक FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू FIFO क्यू के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। ध्यान देने लायक बात यह है कि FCFS पॉलिसी का एवरेज वेटिंग टाइम अमूमन बहुत ज्यादा होता है। एवरेज वेटिंग टाइम एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का क्राइटेरिया है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के सिलेक्शन के लिए, जिसे हम पूर्व में देख चुके हैं, पूर्व वीडियो में देख चुके हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से FCFS एल्गोरिथम को समझने का प्रयत्न करेंगे। मान लीजिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी में तीन प्रोसेसेस P1, P2, P3 एक साथ अराइवल टाइम जीरो पर अराइव होती है, यानी कि अराइवल टाइम जीरो पर P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस तीनों अराइव हुई हैं। इनका अराइवल टाइम एक समान है, जबकि इनका बर्स्ट टाइम यानी जो सीपीयू बर्स्ट चाहिए उसकी अवधि अलग अलग है। चूंकि इनके आने का क्रम P1, P2, P3 है, तो FCFS एल्गोरिथम के अनुसार सर्वप्रथम P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूर्ण होगा, तत्पश्चात P2 और उसके पश्चात P3। इस प्रकार के P1, P2, P3 के एग्जीक्यूशन को गैंट चार्ट नामक तरीके से दिखाया जाता है। ध्यान दीजिए, वीडियो में गैंट चार्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। यहाँ बिंदु जीरो पर आप ध्यान दें तो तीनों प्रोसेस आ चुकी है, लेकिन P1 प्रोसेस पहले आई है इन तीनों में, तो P1 प्रोसेस को सर्वप्रथम अवसर दिया जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, और यह 0 से लेकर 24 टाइम स्टैम्प तक, 24 मिली सेकेंड्स तक
अपना एग्जीक्यूशन जारी रखती हैं, उसके पश्चात इसका एग्जीक्यूशन पूर्ण होने के पश्चात सीपीयू का कंट्रोल डिस्पैचर द्वारा P2 प्रोसेस को प्राप्त होता है। P2 प्रोसेस 3 मिलीसेकंड तक अपना एग्जीक्यूशन करती है और तत्पश्चात P3। अब ध्यान दें कि यहां पर P1 प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम जो है वह 0 मिलीसेकंड है, जबकि P2 प्रोसेस के लिए यह 24 मिलीसेकंड है, क्योंकि P2 प्रोसेस को P1 प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान 24 मिलीसेकंड तक सीपीयू साइकल्स के लिए वेट करना पड़ा। और इसी प्रकार P3 का वेटिंग टाइम 27 मिलीसेकंड है। यदि हम इसका एवरेज निकालें तो हम पाएंगे 0 प्लस 24 प्लस 27 भाग 3 देने पर हमें एवरेज वेटिंग टाइम 17 मिलीसेकंड मिलता है। यदि यही तीनों प्रोसेसेस एक अन्य क्रम में आती तो उसे हम एक अन्य गैंट चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। मान लीजिए प्रोसेस P2, P3 और P1 के क्रम में आती तो P2 का एवरेज वेटिंग, P2 का वेटिंग टाइम 0 होता, P3 का 3 मिलीसेकंड और P1 का 6 मिलीसेकंड। टोटल इस केस में एवरेज वेटिंग टाइम होता 6 प्लस 0 प्लस 3, 6 P1 प्रोसेस के लिए, P2 के लिए 0 मिलीसेकंड और P3 के लिए 3 मिलीसेकंड। ध्यान दें अब एवरेज वेटिंग टाइम 3 मिलीसेकंड आया है, जो कि पिछले उदाहरण की तुलना में अधिक अंतर वाला है। इट इज मच बेटर देन द प्रीवियस केस। इस प्रकार से किसी एक प्रोसेस के कारण अन्य प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन लेट होने की घटना को कॉन्वॉय इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी शॉर्ट प्रोसेसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेसेस। इसका एक उदाहरण तो यह हमने देखा ही है। एक और उदाहरण हो सकता है, यदि कोई सीपीयू बाउंड प्रोसेस आ जाए और कई सारी आईओ बाउंड प्रोसेसेस हो, तो एक सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस बार बार लंबे सीपीयू साइकल्स को, बड़े सीपीयू साइकल्स को यूज करती रहेगी, सीपीयू टाइम को यूज करेगी, और आईओ बाउंड प्रोसेसेस जो आईओ एफिनिटी ज्यादा रखती है वो बार बार आईओ के लिए जब भी जाएगी तो जब तक वह आईओ करके लौटेगी और उसके पश्चात जब तक कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस एग्जीक्यूशन पूर्ण न कर ले अथवा वह किसी अन्य इवेंट या आईओ के लिए सीपीयू को रिलीज न कर दे, तब तक उन सभी आईओ बाउंड प्रोसेसेस को बार बार रुकते रहना पड़ेगा। यानी कि FCF इसका ड्रॉबैक है, कॉन्वॉय इफेक्ट, जिसमें कुछ छोटी प्रोसेसेस एक लंबी प्रोसेस के कारण एग्जीक्यूशन में प्रभावित होती है, दुष्प्रभावित होती है। पुनः ध्यान दें जिस प्रकार लेक्चर की शुरुआत में बताया गया था आपको कि FCFS एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो आ सकता है कि FCFS किस प्रकार का एल्गोरिथम है, FCFS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जो कि है फर्स्ट नोन फर्स्ट सर्व। इसका इम्प्लीमेंटेशन FIFO FIFO क्यू के द्वारा किया जाता है। FCFS का ड्रॉबैक या FCFS किस समस्या से ग्रस्त होता है वह है कॉन्वॉय इफेक्ट, और एक अन्य बिंदु कि FCFS का एवरेज वेटिंग टाइम बहुत अमूमन बहुत अधिक आता है। एग्जाम की तैयारी के लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।